हमने ऑलरेडी आज मतलब 50th डे है फिल्म का, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके ओवरफ्लो चेक्स आ चुके हैं। वैसे आपके हिसाब से क्या कारण समझ में आता है कि छोटे स्टेशन पर फिल्म उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई जितना कि बड़े शहरों में या कुछ खास थिएटर्स पर उसने बिजनेस किया है? एक पैट्रियटिज्म होते हुए एक पैट्रियटिक एंगल था फिल्म में उस सब के बाद। देखिए, मैंने इस बात को स्टडी करने के लिए एक दो फिल्में जो हिट हुई हैं उनको मैंने देखा वीडियो पर, मैं वो फिल्में देख नहीं पाया। मुझे इतनी तकलीफ हुई वो फिल्में देखकर, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं, क्योंकि इतनी रद्दी फिल्में हैं वो। भैया मैं आपसे कह रहा हूं और मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं, सारा देश चाहे सुने कि मैं ऐसी रद्दी फिल्म ना कभी बनाऊंगा ना मैं बना सकता हूं, वो चले या ना चले भाड़ में जाए, क्योंकि ये फिल्में जो हैं हमारी भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर रही हैं। और ये सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि उनमें से एक फिल्म है जिसमें एक आदमी है उसने 5 लोगों को मार डाला और को मिनिस्टर एंड में आके कहता है तुम फ्री हो तुमने सही किया। ये किस किस्म की वैल्यूज आप अपने सिस्टम में किस किस्म की वैल्यूज डाल रहे हैं? एक दूसरी फिल्म है जो बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है, उसमें मैंने देखा वो कहता है IGP को मार दो। अरे क्यों मार दो, बस मार दो यार। और फिर वो कहता नहीं नहीं वो तो ऑनेस्ट आदमी है उसको क्यों मारे। ये क्या समझ नहीं रहे आप लोग? मैं तो समझता हूं कि किस किस्म की वैल्यूज, किस किस्म का कल्चर एक जहर घोल रहे हैं मेरे हिसाब से आप अपने लोगों में। तो मेरे से तो नहीं होगा भाई, मैं तो जिंदगी में नहीं कर सकता। तो ये जो सक्सेसफुल फिल्म बी और सी क्लास सेंटर है, मैं आपसे कहता हूं मैं कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा जो सी क्लास सेंटर में हिट हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि ए क्लास सेंटर का ही बिजनेस काफी है एक फिल्म की रिकवरी के लिए। आप पूछें कि वहां ये फिल्म सी क्लास में इतनी क्यों नहीं चली, तो मैं समझता हूं कि जो हमारा फिल्म का कल्चर है, जो सी क्लास का फिल्म, ये बिल्कुल वही बात है कि मैं आपको रोज एक देशी दारू के अड्डे पे ले जाके ऑरेंज पिलाता रहूं और ऑरेंज ही आप पीते हैं, जो भी वो बोलते हैं उसको ऑरेंज और भी जो भी व्हाटएवर, राइट? मतलब कि आप थर्ड रेट दारू मैं आपको पिलाता रहूं और एक दिन मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन, चले दारू ही मान ले, वो पिला दूं, तो शायद आपके मुंह में वो हजम ही ना, आप फेंक देंगे। क्योंकि एक पूरा जो कल्चर है वहां का वो इतना लाउड और करप्ट हो गया है, वो उनको जो वो देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मैं जो नहीं बना पाऊंगा, जब मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल एडमिट कर रहा हूं, तो शायद उस फिल्म का कल्चर इतना डीप रूटेड है कि 1942 उनको छू ही नहीं पाई। उनको लगा कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं, उसने मां को गोली नहीं मारी, उसने मिनिस्टर्स को गोली नहीं मार दी, उसने उठ के मतलब IGP को गोली नहीं मार दी। तो हो सकता है कि मेरी फिल्में जो हैं वहां तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि एक कल्चरल डिफरेंस आ गया है। जिस किस्म की हिंदी फिल्में बन रही हैं और जिस किस्म की हिंदी फिल्में वो लोग देख रहे हैं, शायद उन हिंदी फिल्मों में और मेरी फिल्म में काफी अंतर है। और दूसरी फिल्म के जिस पे आपने कमेंट किया कि वहां एक मंत्री आगे बचा लेता है, आम हिंदुस्तानी फिल्मों में क्लाइमेक्स में चाहे कितने ही लोग मर जाएं पर नायक को कभी गोली नहीं लगती। आपकी फिल्म में भी कुछ ऐसा है, मनीषा कोइराला खड़ी रहती है वहां, हजारों लोग मर रहे होते हैं, गोलियां चल रही होती, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है, उसको एक गोली तक नहीं लगती। देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि वन फिल्म अगेंस्ट दी अदर बिल्कुल नहीं, दूसरे लोग नहीं, मैं आपको सिर्फ जो मैं फिर आपसे कहूं, मैं एक फिल्म के बारे में आपसे फिर कहूं, मैं फिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड हियर। आई डोंट वांट टू से दैट माय फिल्म इज सुपीरियर टू द अदर रबिश दैट्स बीइंग मेड, इट इज अ सब्जेक्टिव ओपिनियन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड वेरी क्लियरली कि जो वैल्यू सिस्टम सम ऑफ दीज फिल्म्स जो प्रोजेक्ट कर रही है, जो वो वैल्यू सिस्टम, जो उनका एथिक्स और वैल्यू सिस्टम है, वो बहुत डेंजरस है। अगर आपकी हीरोइन खड़ी रहती है, या आप कह सकते हैं कि यार स्क्रिप्टिंग फ्लॉ है, सपोज क्रिटिसिज्म लेते हुए यार ऐसा कैसे हो गया, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम प्रोजेक्ट हो रही, जब आप कहते हैं कि IGP को गोली मार दो, आप ये कहते हैं कि यार उसने 5 मंत्रियों को मार दिया तो उसको छोड़ दो, ये बहुत खतरनाक बात है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? Again, it's not one versus the other. I am trying to tell you that this kind of subversive literature in cinema is very, very destructive. ये आप underestimate मत करें। नहीं, उस बात को मैं समझते हूँ। बिल्कुल, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मेरी फिल्म में कई खामियां हैं। मेरी फिल्म में हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि एक खामी नहीं, मैं आपको 10,000 खामियां खुद बता सकता हूँ कि यार वहां कैमरा यहाँ के बदले यहाँ होता तो बेटर होता, ये ऐसा होता तो बेटर होता, वो होता तो बहुत ही अच्छा होता, ऐसा तो मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा तो होता ही, हर 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 चीज की ग्रोथ होती है, लेकिन कहीं भी वो फिल्म ऐसी वैल्यू सिस्टम नहीं प्रोजेक्ट कर रही है जो डिस्ट्रक्टिव है। कॉन्स्टेंटली जब हम एक सीन लिखते हैं या सोचते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि इसका दर्शकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस फिल्म का,
वो जरूरी है। मैं जैसे बात करूं कि उनका मुझे नहीं पता क्या बात है, जहां तक हमारी बात है, पर्सनली बात है, हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, हमने आपसे कोई टिकट नहीं मांगी, ना ही हमने आपसे कोई दारू की डिमांड की है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि आप इंडस्ट्री में एक अलग हैं, तो कुछ लोग मीडिया में भी अलग होंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखें, अगर इस कंट्री में अगर कुछ होप है तो द होप लाइज विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, एंड विद द प्रेस। देखिए, जो जितना कुछ आपने कहा है मुझसे, आज की डिस्कशन रही रादर देन एन इंटरव्यू, वो सब बातों से मैं सहमत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि भैया जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में हमको लगता है कि स्क्रिप्ट कुछ कुछ कमजोर है या ये कमजोर है, मैं आपसे ये कह सकता हूं आई डोंट अग्री, बट आई विल वेट फॉर 6 मंथ। आप मुझसे कहें कि बाकी फिल्मों से कंपैरिजन में एक शॉट, तो एक शॉट की मैं बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक ऑफ वैल्यू सिस्टम। आई ऑनेस्टली बिलीव 1942 अ लव स्टोरी इज अ फार सुपीरियर फिल्म टू व्हाट इज बीइंग रनिंग। 1942 अ लव स्टोरी हिट है या फ्लॉप है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी, लेकिन विनोद चोपड़ा की इंटेंशन के बारे में हमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है और एक अच्छी वैल्यू प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। आशा है वो इसे आगे भी बनाए रखेंगे।